हेलो फ्रेंड्स अपने लेक्चर ट्वेल्व में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इंटेग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे पहले हम एक जनरल यूनिमालिकुलर रिएक्शन ले लेंगे और सपोज करें कि इस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है तो हमने एक जनरल फॉर्म में रिएक्शन को लिया है कि ए गिव्स ए प्रोडक्ट तो अगर हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास रिएक्टेंट ए है इसकी जो इनिशियल कंसनट्रेशन है लेट इट बी ए मोल्स पर लीटर और उसके बाद हम फर्दर स्पोज करते हैं कि टाइम टी सेकेंड्स के बाद कि जब टाइम टाइम में time बढ़ता जाएगा तो आपको पता है रेक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होती जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन तो जैसे जैसे हमने कहा कि टाइम बढ़ेगा तो हमने वो सपोज किया टाइम कितना है टी सेकेंड्स की टी सेकेंड्स के बाद रेक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन कितनी कम हो रही है बाय एक्स यूनिट डिक्रीज हो रही है तो जब रिएक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन एक्स यूनिट कम हो जाएगी तो इनिशियल उसकी ए मोल्स पर लीटर है तो टाइम टी के बाद उसकी जो हमें कंसंट्रेशन मिलेगी तो हमने सपोज किया कि वो है ए माइनस एक्स मोल्स पर लीटर कि इनिशियल कंसेंट्रेशन रेक्टेंट ए की हमने सपोज किया ए मोल्स पर लीटर और टाइम टी के बाद जो रेक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन में चेंज आ रही है वो कितनी है वो हमने सपोज किया ए माइनस एक्स मोल्स पर लीटर यहाँ पे एक्स हमें इंडिकेट कर रहा है कि रेक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन कितनी कम होगी कितनी डिक्रीज होगी तो वो टाइम टी के बाद हमें कितनी कंसेंट्रेशन मिलेगी रेक्टेंट ए की वो है ए माइनस एक्स मोल्स पर लीटर तो अब अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं रेट एक्सप्रेशन तो उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और पावर जो है वो कितनी आएगी वो आएगी वन जिसको हम यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वन ही है वन इसीलिए हमने यहां पे लिखा क्योंकि हमने सपोज किया है कि रिएक्शन का ऑर्डर कितना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसीलिए मोलर की पावर वन होगी देन प्रपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो हमें कॉन्स्टेंट मिलता है प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट के जि, या जिससे हम बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो यहां पे ये के हमें बताएगा रेट कॉन्स्टेंट फॉर

वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी सपोज किया हुआ है कि ए की कंसेंट्रेशन कितनी है टाइम टी के बाद वो है ए माइनस एक्स मोल्स पर लीटर तो इसलिए यहाँ पे ए की मोलर कंसेंट्रेशन हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ए माइनस एक्स यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू अब उसके बाद हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा तो जैसे कि आप देख रहे हैं डीएक्स यहां पर लिखा गया है और यहां पे एक्स वाला वेरिएबल राइट साइड में है तो इसीलिए इस टर्म को हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड में ले जाएंगे by variable separation method apply करेंगे पे पे हम तो तो इसके लिए लिए a -X को हमने लेफ्ट में लाने के लिए cross multiply से आ गया हमारे पास तो ये k into dt. इस तरह से वेरिएबल्स की हो गई सेपरेशन देन इंटीग्रेट हमें करना है अब तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स तो ये आगे इंटरग्रेल और माइनस एक्स डी एक्स और इस तरह से के कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर आ गया तो ये आ गया इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ देन उसके बाद नेक्स्ट अब का फॉर्मुला अप्लाई करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए माइनस एक्स आ जाएगा लॉग ने माइनस एक्स और साथ में इंटरनल डेरिवेटिव भी हमें लेना पड़ेगा तो इंटरनल डेरिवेटिव ए माइनस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ये आ गया और इस तरह से के इन ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी तो वो आ जाएगा सिंपली T. तो प्लस आ गया सी सी है यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देन उसके बाद ये तो सेम ही रहा लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस एक्स तो डेरिवेटिव हमें जो लेना है इंटरनल डेरिवेटिव तो इसकी डिफ्रेंस करेंगे ए माइनस एक्स की तो ए कॉन्स्टेंट तो का डेरिवेटिव होता है जीरो और इस तरह से एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स यानी कि वन तो यहाँ पे माइनस साइन था तो इसलिए आ गया माइनस वन तो ये सेम ही रहा उसके आगे नेक्स्ट माइनस वन था तो जीरो माइनस वन माइनस वन तो माइनस वन से मल्टीप्लाई हो गई इसको माइनस लॉन्ग नेचुरल ऑफ ए माइनस एक्स तो आ गया तो के टी प्लस सी तो इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर वन उसके बाद नेक्स्ट हमने

सिंप्लीफाई करना है इसको तो आ जाएगा माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए और ये के इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा तो इस तरह से सी की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए तो इस सी की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन वन में हमें तो वन में पुट करेंगे तो इस सी की जगह पे हमने लिख दिया माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए बाकी सेम ही रहा एक्सप्रेशन अब उसके बाद इसके इसमें हमने जो फर्दर सिंप्लीफाई किया है कि लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस एक्स ते आ गया इज इक्वल टू के इन टू टी देर्दर के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन अपॉन टी और ये हमने लिखा लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस एक्स देन अब यहाँ पे लॉग की हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जैसा कि हमें पता है कि लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम अपॉन एन तो वो प्रॉपर्टी यहां पे हमें लॉग की अप्लाई करनी है तो ये है लॉग एम और एन आ गया मतलब ए माइनस एक्स तो ये बन जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स अब उसके बाद ये नेचुरल फॉर्म में लॉग है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जब नेचुरल लॉग को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे केस में एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होती है विच इज टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री तो वो फैक्टर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास इंटेग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये आ आ आ गया rate constant for first order reaction. T आ गया गया और और इस तरह से कि जब टाइम टी आपको गिवन है तो इस टाइम टी पे रिएक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन कितनी होगी तो वो ये हमें इंडिकेट करेगा ए माइनस एक्स तो ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थैंक यू